सबसे पहले क्या करेंगे? F11 और F3। सबसे पहले क्या करेंगे? सेट एंड ऑल्टर जीएसटी। डिटेल को क्या किया हमने? यस किया। यस करने के बाद किस स्टेट में हम अपना काम कर रहे हैं? किस स्टेट में काम कर रहे हैं हम अपना? उत्तर प्रदेश। इसके बाद जीएसटी इन एंड ये हमारा जीएसटी नंबर होता है उत्तर प्रदेश का 09। उत्तर प्रदेश का 09 फाइव टाइम ए 1 2 3 4 09 फाइव टाइम वन जी। उत्तर प्रदेश का 09 ये है रावण की मूछ। तेरे पता क्या है ये? जीएसटी नंबर बात क्या करना है हमें? एप्लीकेबल फ्रॉम, हमने इसको कब से लागू किया है? जीएसटी कब से लागू हुआ है हमारा? 1 जुलाई से। लेकिन हम अप्रैल से लगा ला, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो क्या करें इसको? और कुछ नहीं करना हमें, बाकी बाकी सब एक्सेप्ट एक्सेप्ट करें इसको। और एक्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद अब हमें लेज़र बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या करें हम? क्वेश्चन ले लें, क्वेश्चन ले लें। कंपनी परचेज, कंपनी परचेज 2 पीस ऑफ कंप्यूटर। कंपनी परचेज 2 पीस ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम राहुल कुमार, फ्रॉम राहुल कुमार इन स्टेट यानी अपने राज्य के अंदर। इसके बाद अमाउंट 25,000 एट द रेट 25,000 इन स्टेट, अमाउंट 25,000 पर पीस। एंड कंपनी ऐड 18% जीएसटी। एंड कंपनी ऐड 18% एट द रेट 18% जीएसटी। क्लियर है? ऐड 18% जीएसटी और कंपनी ने 18% जीएसटी ऐड किया। क्लियर है? तो कंपनी परचेज, सबसे पहले पहला लेजर बनाएंगे हम कंपनी परचेज, लेकिन इन स्टेट यानी अपने राज्य के अंदर ही। तो सबसे पहला लेजर हमारा गेट वे ऑफ टेली लेजर जी, परचेज लोकल विद इन स्टेट। तो पहला लेजर होगा हमारा परचेज, हम लोकल में ही बेच रहे हैं इसको या खरीद रहे हैं। परचेज किसके अंडर में जाएगा ये लिख के रखना, क्योंकि याद रहेगा, वरना परचेज के लेजर हमारे कई हो जाएंगे। तो रिकॉर्डिंग तो मुझसे ले लेना बाद में, हो रही है ले लेना बाद में, ठीक है ना। परचेज लोकल विद इन स्टेट यानी परचेज कर रहे हैं हम अपने ही राज्य के अंदर।
क्लियर है, ये जाएगा हमारा परचेज, परचेज के अंडर में। और क्या करेंगे, इज जीएसटी एप्लीकेबल, इज जीएसटी एप्लीकेबल, क्या करेंगे इसको एप्लीकेबल, जीएसटी को हम एप्लीकेबल रहने देंगे यहाँ पर। ये पर्दा लगा ले, क्या नाम तेरा, पर्दा लगा ले, अनेबल ही एप्लीकेबल रहने देना इसको, इज जीएसटी एप्लीकेबल। और लास्ट में करा गुड्स या सर्विस, गुड्स के ऊपर टैक्स जो लग रहा है हमारा, क्योंकि हमने गुड्स, हाँ इसको नो रखना है अभी हमें, क्या करना है इसको, गुड्स, गुड्स उसके बाद क्या करना है हमें इसको, एक्सेप्ट, क्लियर। दूसरा लेजर है हमारा जीएसटी, आई एक तो बनेगा हमारा आई जीएसटी, आई जीएसटी बनाओ जरा पहले, आई जीएसटी लिख तो ले, दिखने लग गया आई जीएसटी। इसके बाद ड्यूटीज एंड टैक्सेस, क्योंकि ये हमारा टैक्स है, टाइप ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी के अंदर जाएगा, जीएसटी टाइप ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, टैक्स टाइप हमारा क्या है, इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स जी, टैक्स टाइप में इंटीग्रेटेड टैक्स, क्लियर यहां तक। इसके बाद एक्सेप्ट, क्लियर क्लियर यहां तक। इसके बाद दूसरा लेजर है हमारा एस जी एस टी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एस जी एस टी, ठीक है ना, क्लियर, एस जी एस टी, एस जी एस टी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में, टाइप ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस किसके अंडर में जाएगा, जीएसटी के अंडर में जाएगा। उसके बाद क्या है हमारा, ये स्टेट टैक्स, क्या है हमारा ये स्टेट टैक्स, क्लियर सभी को। उसके बाद क्या करना है हमें इसको, क्या करें इसको, लिख लो एस जी एस टी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में, टाइप ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस जी एस टी, और बाकी सब नो, और एक्सेप्ट करें। इसके बाद जीरो, इसके बाद सी जी एस टी, इसका भी पहले ही बना लें हम, बाद में बनाना पड़ेगा, इससे पहले ही बना लें हम, क्या करना है सी जी एस टी, सी जी एस टी आएगा हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में, टाइप ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस किसके अंडर में जाएगा, जी एस टी के अंडर में। और जी एस टी क्या है हमारा, सेंट्रल टैक्स, पता लग रहा है ना सी जी एस टी हमारा क्या है, सेंट्रल टैक्स, परचेज के अंडर में। सेंट्रल टैक्स, इसके बाद क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, क्लियर है। पार्टी नेम, इसके बाद कौन है, पार्टी नेम क्रिएट करें, राहुल कुमार कौन है, राहुल कुमार के आगे लगा लें, स्टेट, यानी हमें पता रहेगा कि राहुल जो है हमारा वो स्टेट के अंदर ही हमने सुनेगा, और राहुल जो होगा हमारा वो सन्डरी क्रेडिटर्स होगा, राहुल कौन है वो,
अच्छा इधर राहुल की डिटेल हमें लेनी पड़ेगी। बैलेंस बिल बाय बिल को यस कर लो नो कर लो कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। मेलिंग डिटेल में हमें इसकी डिटेल भरनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना पड़ेगा ये डिटेल लिखनी पड़ेगी राहुल की। राहुल की एड्रेस क्या है उसका? शॉप नंबर रेलवे रोड हापुड़, उसके बाद कंट्री इंडिया ही है और स्टेट तो हमारा उत्तर प्रदेश है क्योंकि हमारी कंपनी जो है वो भी उत्तर प्रदेश में हमने बनाई थी। उसके बाद उसका पिन कोड क्या है, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना। पोस्टल एड्रेस संदीप काम कर ले बाद में असली। कर दूं एक्सेप्ट? कुछ नहीं डालना, बस जो मैंने बताओ डालना बस। क्लियर? इसके बाद लेज़र हमारे कंप्लीट। लेज़र कंप्लीट करने के बाद अब हम उससे ख़रीद क्या रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं? कंप्यूटर खरीद रहे हैं। अब कंप्यूटर का स्टॉक आइटम बनाओ ना, ज़रूरी है तो स्टॉक आइटम बना ले कंप्यूटर का। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन और पहला ग्रुप देख लें उसका क्या है, स्टॉक ग्रुप और ऑल्टर कंप्यूटर, ठीक है ना? ये हमें ग्रुप बनाना ज़रूरी है, ठीक है ना? स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा आपको, मैंने ऑलरेडी बना हुआ है। तो स्टॉक ग्रुप का नाम क्या है हमारा, कंप्यूटर। लेकिन इसके बाद क्या कराइए, सेट एंड ऑल्टर जीएसटी डिटेल। हाँ प्राइमरी रहेगा, क्या कराइए, सेट एंड ऑल्टर जीएसटी डिटेल। क्या करेंगे इसको? यस क्या करना है हमें, सेट एंड ऑल्टर जीएसटी डिटेल यस करना होगा हमें। यहाँ तक क्लियर है आपका? यस किया। यस करने के बाद अब हमें यहाँ पर F12 करना पड़ेगा। F12 जी, F12 कर किया हमने यहाँ पर, ये करा अलाउ HSN एंड CSAC डिटेल, इसको यस किया हमने। फर्स्ट और लास्ट, शो ऑल GST टैक्स टाइप, अलाउ HSN एंड SAC डिटेल। शो ऑल GST डिटेल, शो ऑल GST टैक्स टाइप, यस किया हमने इसको। वापस करूं, पूछूंगा ना तब पता, इससे जब पूछूंगा ना तब पता लगेगी इसको। हाँ ना पूछूंगा ना इससे तब पता लगेगी इसको। देखो पहला लास्ट, हाँ पूछूंगा ना इससे पहला लास्ट करना है, ये दिख रहा है सर। हाँ पूछूंगा ना तो उससे पता लगेगा, जब तुझे तब तू यहाँ खड़ा होगा ना फिर मुझे ध्यान ना आएगा तेरे कुछ भी। यस करें, हो गया सभी का। अब ये HSN डिटेल आती है हमारे स्टॉक की, यहाँ पर अगर हमने इसका स्टॉक का डिटेल डाला यहाँ, अब ये कह रहा है हमारा कितना परसेंट है, 18%। अगर हमारा 28% होता तो सेंट्रल और स्टेट हमारा ये 14% होता, ठीक है? यहाँ पर अगर हमारा 18% है तो 9% क्लियर है। 18% लगाया टैक्स है ना हमारा क्वेश्चन में, बाकी
एप्लीकेबल फ्रॉम कब से लगाया, 1 अप्रैल 2017 से हमने इसको एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करें इसको। ऑटोमेटिक रहेगा ये रेट जितने हाँ इस ये कंपनी बताएगी हमें। अगर इसको तुम 9 भी कर दोगे ना, ठीक है ना, अब यहाँ केवल रेट रेट दिखा रहा है हमें, उसको शो करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो उसको ना शो करें तो उसको शो करने की जरूरत नहीं है। करें एक्सेप्ट इसको, जरूर नहीं है इसको उतारने की। किसको यस करना है, या इसको ही तो यस किया था और इसको ही सारी डिटेल हमने अंदर की। अच्छा मैंने स्टार्टिंग में बताया था सेट एंड ऑर्डर जीएसटी डिटेल, जल्दी लिखो। करें एक्सेप्ट, ग्रुप कुछ भी ले सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक ले सकते हो तुम। हाँ ग्रुप में कंप्यूटर लिया ना मैंने, इलेक्ट्रॉनिक भी ले सकते हो। अब स्टॉक आइटम में आते हैं, स्टॉक आइटम और क्रिएट कंप्यूटर। नेम क्या है, कंप्यूटर, ठीक। इसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल क्या कह रहा है, इसको हमें हाँ स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम तो क्रिएट करना पड़ेगा ना हमें। वो ग्रुप था। अब कंप्यूटर के अंदर हम जितने भी आइटम लेंगे ना तो ऑटोमेटिक जीएसटी हमारा एप्लीकेबल रहेगा, वो रेट ऑटोमेटिक चलता रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक का हम बना लेते तो इलेक्ट्रॉनिक में हम कितनी भी चीज़ें खरीदते तो उसका ऑटोमेटिक 18% आपको कलेक्ट करता हो। जीएसटी एप्लीकेबल, इसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स एंड सर्विस, तो हमें यहाँ पर गुड्स लेना है। क्लियर सभी को, क्या चीज एक्टिवेट करना यानी चाल लागू है। करना एक्सेप्ट इसको, हो गया। करना एक्सेप्ट, लेजर भी बन गए हमारे, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स। अब हमने लेजर भी बना लिए और स्टॉक आइटम भी बना लिया, अब बाकी रह गई हमारी एंट्री करना। एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर और F9, क्योंकि हम माल खरीद रहे हैं। क्लियर, यहाँ पर बिल नंबर हमारा XYZ, किस डेट में हम खरीद रहे हैं, 1 अप्रैल 2017 को। इसके बाद किससे खरीद रहे हैं, राहुल कुमार से। क्लियर, यहाँ पर अब क्या नाम है, यहाँ पर परचे लोकल विद इन स्टेट। अब नेम ऑफ आइटम क्या खरीद रहे हैं, मुझसे कंप्यूटर, कितने कंप्यूटर खरीद रहे हैं, दो कंप्यूटर, कितनी कीमत है उसकी, 25,000। क्लियर है 25,000। इसके बाद अब क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, SGST। क्लियर, कितना गई है, 9%। देखो कितना परसेंट आया है, 50,000 मल्टीप्लाई 9%, कितना है, 4,500। अभी क्या लगाया हमारा स्टेट, अब हमें यहाँ पर एक टैक्स लगाना पड़ेगा, IGST। जी IGST का
रेट क्यों नहीं लिया इसने? कहीं लेजर में गलती हो गई। तो इसका एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। तो टैक्स इसने हमारा 9% क्योंकि हमने वहाँ जो डाला था वो एस जी तो एस जी एस टी जो था हमारा 9% था, तो कितना हो गया हमारा यहाँ पर? हाँ 9%। यहाँ परसेंटेज का निशान दिखाया नहीं क्योंकि जब हम वैट में दिखाते थे 4% डाल देते तो 4% दिखाता था, लेकिन इसमें 4% नहीं दिखाएगा। क्लियर है सभी को? क्या करना है बस? कौन सा सेंटर से? तो है ना, जब सेंटर से खरीदेंगे सब सी जी एस टी आएगा हमारे यहाँ पर। हाँ 18% करेंगे ना, अगर हमें रेट चेंज करना है तो वहाँ से जहाँ से हमने स्टॉक में रेट डाला था 9%, इसको हम 18% कर देंगे तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। दो दो आ गए ना, क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया, 9% सेंट्रल में कर दिया और 9% उसने स्टेट में कर दिया। नहीं सेंट्रल से थोड़ा ना खरीद रहे हैं, स्टेट में ही खरीद रहे हैं, स्टेट का ही दिखाएंगे हम यहाँ पर।